इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्रेयांश नाथ दिगंबर जैन एसोसिएशन यलहंका बेंगलुरु। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर के यलहंका न्यू टाउन स्थित श्री शिव कुमार स्वामी ओपन ऑडिटोरियम निसर्ग ग्राउंड में 25 फरवरी से 1 मार्च 2024 के मध्य श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जिन भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज व परम पूज्य मुंश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुंश्री 108 कुंथू सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस महानुष्ठान के अंतिम दिन यानी 1 मार्च को पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने मोक्ष कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, अविलंब हम भी देखते हैं इस महानुष्ठान के पावन दृश्यों को। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज व परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 कुंथू सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर के यलहंका न्यू टाउन स्थित श्री शिव कुमार स्वामी ओपन ऑडिटोरियम निसर्ग ग्राउंड में 25 फरवरी से 1 मार्च 2024 के मध्य श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस 6 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन यानी 1 मार्च को पुण्य प्रतापी भक्तों ने प्रभु के मोक्ष कल्याणक की पूजा अर्चना कर अपने सौभाग्य को जागृत किया, जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम सौभाग्यशाली श्रावकों द्वारा श्री जी को शिरोधार्य कर पांडुक शिला पर विराजमान करने उपरांत अभिषेक करने के साथ हुई। प्रभु अभिषेक के पश्चात ही मंत्रोच्चारण के बीच समस्त जीव जगत के कल्याण की भावना के साथ श्री जी की शांति धारा कर उन्हें अर्घ्य समर्पित किए गए। ओम ह्रीम क्लीम क्लीं ऐं मारम बम बम हम सं तम बम 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 हम हम सं सम तम तम पम पम झम झम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीम कुरम मम पापम खंड खंड जय जय दहि दय पच पच पाच पाच ओम नमो रन झम जीम चीम हम सम झम बम प्राहरा छाम चीम चूम छिम छिम छुम छम छा छुम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रम 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 रा द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो ते भगवते श्रीमते ठाठा समाकम चतुर्वि संगनम शीरस्तु विरद्धिस्तु तुष्टेस्तु पुष्टेस्तु शांतिस्तु कांतिस्तु कल्याणमस्तु स्वा एवं अस्माकं समस्त पंचगण प्रतिष्ठा महामहोत्सव कार्य सिद्धार्थम समस्त दिग्दिशाएं सर्वविघ्नवारणात श्रीमत भगवत अर्हत सर्वक परमिष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म शीतलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धि अस्तु सद्धर्म स्वस्थ से परस्य वर्ग प्रसिदंतुनः। ओम श्री विश्वादि असी वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरंतु भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम दि अस्माकं यहा मुत च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्यसु यहा मुत च सिद्धिं गच्छन्तु न। ओम नमो भगवते श्रीमते श्रीमत्पाशीतंग श्रीमद्रत्नूपय दिव्य तेजमूर्ति प्रभामंडल मंत्र द्वादश गण सहित चतुष्ट सहित समोसन केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय। शांति धारा के बाद संगीत की मधुर लहरियों के मध्य पुण्यशाली श्राविकाओं ने मंगल दीपों से प्रभु की आरती उतारी। जगमग जगमग दीप जलाए आरती प्रभु चरणों में गाए आरती प्रभु चरणों में गाए ओ जगमग बत्तियां बाबा करो आरतियां। अगले क्रम में मोक्ष कल्याणक पूजन प्रारंभ हुआ। पूजन में सभी पुण्य प्रतापी श्रावक श्रेष्ठियों ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर सातिश्य पुण्य का अर्जन किया। स्वस्ति प्रकाश सहजोजित दृढ़ मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिता भूत वेव भय स्वस्ति चोक विदिते किछ दुत गमाय स्वस्ति त्रकाल सकिला यत्न प्रस्तताय दवस सुदिन दिगंबियताय
रूपम अवशिशुद्धि मध्य अलंबनानि विविधानि बलं वेवर्गं भूतार्थि यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम् अरहत् पुराणि पुरुषोत्तमे पावीनानि वस्तूनि अखिलामय मीके एवाव सुन स्वस्ति स्वस्ति सिरि अजिता सिरि सुन स्वस्ति स्वस्ति सिरि अभिनंदन सिरि सुमत स्वस्ति ऋषान् स्वस्ति श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंभ स्वस्ति स्वस्ति श्री अरेनत श्री मल्ल स्वस्ति स्वस्ति श्री वृषभ श्री नम स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिना। इसके साथ ही आदि प्रभु को निर्वाण प्राप्त हो जाता है और प्रभु का शरीर कपूर की भांति हवा में विलीन हो जाता है। इसके बाद अग्नि कुमार देव कैलाश पर्वत पर आते हैं और प्रभु को अग्नि देते हैं। भगवान को मोक्ष हो गया, बोलो भगवान के मोक्ष कल्याण। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। भगवान के मोक्ष कल्याण की मोक्ष के द्वार आज इसी नगरी में। हाँ, खुल गए मोक्ष के द्वार आज इसी नगरी में, आज इसी नगरी में, आज इसी नगरी में। क्या झरई अजब बहार आज इसी नगरी में। चमक चमक देखो इंद्रिय झूमे, चमक चमक देखो इंद्रिय झूमे, झूम झूम छनाना इंद्रिय झूमे, झूम झूम छनाना इंद्रिय झूम। ओए मोक्ष कल्याण की आज आज इसी नगरी में। सब देखते रह गए पर जिसको जहां जाना था वो चले गए। ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, अब ना कोई देश ना कोई विदेश, सिर्फ आत्म प्रदेश। आत्म प्रदेश में रत हो चुके हैं, अब उनके प्रदेश कहीं और दूसरे प्रदेशों में मिलने वाले नहीं है। अब सौधर्मेंद्र आगे की प्रक्रिया करता है। ओम 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 रम 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 स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं अर्हन्त इदं शान्तिधारं गृहीतं गृहीतम् अर्हं नमो भद्रं भवतु जगतां शान्तिधारं निपातयामि शान्ति कृतेभ्यः स्वाहा। पुष्प ले लो। दो श्री सिद्धे महंत याज ज्योति सुधरे जासे मम कर विकार। निर्वाण थानी यह पूज्य धाम, यह अग्नि पूज्य है रमण नाम। सुधरे जासे मम सर विकार। अब नमस्कार करो। तदुपरांत परम पूज्य मुनि श्री 108 कुंथू सागर जी महाराज ने नवीन प्रतिमाओं पर शुभ क्रियाओं के मध्य संस्कार रोपित किए। पावन अवसर आया है ये, गिर पर आकर जिन राजा ने प्रतिमा योग किया धारण। मोक्ष वरण कर चले हैं भगवन तीनों लोकों को तारण। मोक्ष महोत्सव मना रहे सब, मोक्ष महोत्सव मना रहे सब। गुण गा कर भगवान का महापंच कल्याणक है ये, जिनवर पूज्य महान का पावन अवसर आया है ये। इसके बाद पुनः पुण्यवान श्रावकों द्वारा श्री जी को शिरोधार्य कर पांडुक शिला पर विराजमान किया गया, जिसके साथ ही प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की गई। ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीत्रागाय नमः। ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो अज्ञान नमो लोये शुभ श्रावणं चत्वारि मङ्गलमरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं स्वाहमङ्गलं केलिप्रद्धमङ्गलं चत्वारिलोतमरहन्तलोतमं सिद्धलोतमं स्वाहलोतमं केलिप्रद्धमङ्गलोतमं चत्वारि शृणुभोज्यामि हन्ति शृणुभोज्यामि सिद्धिशृणुभोज्यामि स्वाहशृणुभोज्यामि केलिप्रद्धमं शृणुभोज्यामि। ओम ह्रीमनादिमूलमन्त्रिभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च।
ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणस्य दुष्कर्म सह दिव्यतेजो मूर्ति नमासि सांत्वना सांदकर सर्वविघ्न विनाशन सर्व रोग अपुत्रनाशन सर्व अपर किच्छ पद्र विनाशन सर्व शाम डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम हुरुम ह्रास यौसा नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम छे गुरु गुरु। तत्पश्चात गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल समर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया, तो वही कार्यक्रम में उपस्थित समस्त महानुभावों का तिलक कर एवं माला पहनाकर उनका स्वागत व सत्कार किया गया। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान। भाव के पुष्प पर प्यार की माला श्रीवर आपको अर्पित है, आपको अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है। अभिनंदन करते हैं आपका। और अब समय था परम पूज्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का, जिसमें पूज्य गुरुवर ने सभी को अपनी मंगलवाणी से कृतार्थ किया। आज भगवान का जन्म हुआ है, क्योंकि मोक्ष ही तो सही जन्म होता, भगवान तो मोक्ष जाते वही जन्म कहलाता। मोह और योग के निमित्त से गुणस्थान की रचना होती है। मोह रहता है वहाँ तक 10 गुणस्थान, उसके बाद मात्र योग रह जाता है 4 गुणस्थान अंत के। अब योग निरोध भी कर लिया, अब गुणस्थानातीत भगवान हो गए। जब 4 घातिया कर्मों को नष्ट किया था, तब 4 अंगुल ऊपर समोषण के बैठे थे या 500 धनुष ऊपर थे जमीन से, लेकिन अब 8 कर्मों को नष्ट कर दिया तो अष्टम भूमि में लोकाग्र में जाकर के विराजमान हो गए। जब तक संयोग था तब तक ऊपर नहीं उठ पा रहे थे, आधा संयोग छूटा आधे ऊपर उठ गए, और अब पूरा संयोग छूटा पूर्ण रूप से ऊपर चले गए। देखिए संयोग क्या है। रत्तो वंदति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो एसो जिनो विदेशो तम्मा कमेशो मारज। पूज्य गुरुदेव की मंगलवाड़ी श्रवण करने के पश्चात ही धर्मस्नेही बंधुओं ने मंडल जी पर जल फलादि समर्पित करने के साथ मंगल कलश की स्थापना की। अभिनंदन पूजा करे गुण मन लाए के सब राग दोष मिटाए के शुद्धांत मन में भाए के। एक कार्डलेस कहां गया कार्डलेस। एकादशी समेत निज ध्याय के श्री सुमति जिन शिव नाम पायो आठ कर मन साए के। हम धार्ग अर्घ महान पूजा करें गुण मन लाए के सब राग दोष मिटाए के शुद्धांत मन में भाए के। ओम नचे शुक्ल एकादशी मोक्ष कल पर सुमति नजनिंदाय ने मार्ग नवामदी सब ग्रह फागुनी चतुर्थी समेर के निज ध्याए के श्री पदम प्रभे निर्वाण होवे स्वात्म अनुभव पाए के। हम धार अर्ग महान पूजा करें गुण मन लाए के सब राग दोष मिटाए के शुद्धांत मन में भाए के। फागुन सप्तमी के निज महान पूजा करें गुण मन लाए के सब राग दोष मिटाए के शुद्धांत मन में भाए के। ओ मणि फागुन के सप्तम श्री मोक्ष प्राप्त श्री सुपासना जिंदर बामती स्वाहा। इसके बाद पूर्ण विधि विधान के साथ सभी ने हवन में आहुति देकर अपने जीवन को धन्य कर मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अन्य शुभ क्रियाएं की। ओम नि वृत्ते गर्दर कुंड आह्वान कृष्ण का गर्दर दिवाय अर्घन वामिति स्वाहा। ओम नि सिद्धिभ्या स्वाहा। ओम नि सूर्यभ्या स्वाहा। अंदर वालों की आवाज नहीं आ रही, ओम नि पाठ की भ्या स्वाहा। ओम नि साधुभ्या स्वाहा। ओम जिन धर्माय स्वाहा। ओम जिनागामिभ्या स्वाहा। ओम जिनभ्या स्वाहा। नमः स्वाहा। ओम अचलाय नमः स्वाहा। ओम अक्षयाय नमः स्वाहा। ओम अव्यवधाय नमः नमः स्वाहा। ओम निर्मलाय नमः स्वाहा। ओम अक्षिद्याय नमः स्वाहा। ओम अविद्याय नमः स्वाहा। ओम अजराय नमः स्वाहा। ओम अमराय नमः स्वाहा। ओम अप्रेमीयाय नमः स्वाहा। ओम लोकाग्रवासिनी नमो नमः स्वाहा। ओम सिद्ध परम सिद्धिभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम नि संप्रति काल सम विश्वादि महावीर पंचतर्विंशति तंक परम देवाश्वा
धारा ओम ने भविष्य काल अभिता प्रभा महापदवाय चतुर्वंश भविष्य परम देवाश्वा प्रीतम धारा ओम त्रिकालवर्ती परम धर्म सी मंदिर प्रभत विधि चित्त गत विंसति परम देवाश्वा ओम नियसंत श्री मजेन पंचकण प्रतिष्ठा महामहोत्सव विश्व शांति महायज्ञ कर्मणि आहिमान दिवगुण स्वस्थानम गंजत उपरा छपड़ भवतु। अगली कड़ी में पूज्य गुरुवर के निर्देशन में श्री जी को पालकी पर विराजमान कर धर्म प्रभावना हेतु बैंड बाजों की करतल ध्वनियों के मध्य भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पावन अवसर आया है ये जीवन के कल्याण का महापंच कल्याणक है ये जिनवर पूज्य महान का महापंच कल्याणक है ये जिनवर पूज्य महान का पावन अवसर आया है ये। इस दुनिया के पालनहारे माँ के गर्भ में जब आए प्रभु के आने की आहट से जीव जगत के हर्षाए गर्भ कल्याणक मना रहे सब भगवान कृपा निधान का। नगर भ्रमण के पश्चात शोभा यात्रा मंदिर जी पहुंची, जहां पर श्रद्धालुओं ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्री जी का अभिषेक कर नवीन वेदी पर प्रतिमाओं की स्थापना की। रहा अभिषेक प्रभु का आनंद छाया जन जन पर प्रासुक पावन नीर कलश के धुला रहे हैं भगवन पर हो रहा अभिषेक प्रभु का। इसके साथ ही सभी प्रभु स्नेही भक्तों ने मंगल दीपों से आरती कर जिनेन्द्र प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पावन अवसर आया है ये जीवन के कल्याण का महापंच कल्याणक है ये जिनवर पूज्य महान का महापंच कल्याणक है ये जिनवर पूज्य महान का पावन अवसर आया है ये। दर्शकों, अभी आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगम श्री 108 सुधा सागर जी महाराज व परम पूज्य मुंश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुंश्री 108 कुंथू सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की मांगलिक गतिविधियों का आनंद लिया। बताते चले कि कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर के यलहंका न्यू टाउन स्थित श्री शिव कुमार स्वामी ओपन ऑडिटोरियम निसर्ग ग्राउंड में 25 फरवरी से 1 मार्च 2024 के मध्य आयोजित इस महोत्सव में प्रतिदिन श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्रीयांश नाथ दिगंबर जैन एसोसिएशन यलहंका बेंगलुरु।